करते हैं तो मॉइस्चराइजर जो है ऊपर का लेयर बनाता है, लेकिन सीरम जो है स्किन के अंदर जो है डीपली स्किन को नरिश करता है। तो टोनर और सीरम, एक टोनर लगाया और दूसरा क्या लगाया, सीरम लगाया। लेकिन आजकल उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि पहले टोनर लगाया फिर सीरम लगाया, तो ये जो है एसेंस जो है टोनर और ये सीरम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये जो एसेंस है इसको आप जब यूज कीजिएगा तो ये आपको टोनर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सीरम लगाने की जरूरत पड़ेगी। लाइव डेमो करके भी मैं बता देती हूँ। इसके लिए क्या करना है, तो 2 से 3 बूंद, ज्यादा नहीं, जैसे 2 से 3 बूंद लेंगे तो क्या होगा, ये पूरे स्किन में अच्छे तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको पूरे इसको ये कर लेना और पूरे स्किन पे जो है ना अच्छे तरह से स्प्रेड कर लेना, ठीक है। और हल्के हाथ से, ये नहीं कि ऐसे रगड़ के, पूरे जैसे फेस पे मसाज करते हैं जिस तरह, ताकि स्किन मसाज करने से भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और हमारा स्किन क्या होता है, काफी यंग लगता है। तो इसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि जो भी एसेंस है वो स्किन में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए और इसका जो ये है वो रिजल्ट ज्यादा अच्छे से नजर आए। और नेक्स्ट जो है मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर लगाना, अगर कोई भी फेस वॉश किया और अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो वो अपने स्किन का केयर नहीं किया। जैसे होता है ना कि पेड़ में अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, उसी तरह अगर आप मॉइस्चराइजर भी लगाइएगा तो आपके स्किन पे रिंकल्स एजिंग साइंस जो है तो वो जल्दी नजर आने लगता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मॉइस्चराइजर है। तो ये जो मॉइस्चराइजर है, जो पहला जो एसेंस है, ये क्या करता है कि स्किन में ग्लो लाता है, अंदर से ग्लो लाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है मॉइस्चराइजर जो है वो क्या करता है, ये जो हमारे चीक्स है उसमें पिंकी ग्लो देता है, यानी कि थोड़ा सा पिंक टाइप का शाइन आने लगता है। इसे भी मैं डेमो करके दिखा दूंगी। ज्यादा यूज नहीं करना, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि ज्यादा यूज कर लेंगे तो जल्दी उसका इफेक्ट नजर आएगा, बस थोड़ा सा। तो नेक एरिया को ना बोले, क्योंकि जो हमारा फेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेक, फेस ग्लो करेगा और नेक अगर कुछ डिसकलरेशन हो जाएगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम ही है। तो इसको इस तरह से अप्लाई कीजिएगा। इसको लगाने के बाद बस छोड़ देना, और जब भी इसको लगा के बाहर निकलिए तो उसके बाद सनस्क्रीन जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सनस्क्रीन के बगैर कोई भी स्किन केयर अधूरा है। और आप लगाने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा इसके फेस के नोज के एरिया पे क्या हो रहा है, ग्लो नजर आ रहा है ना।